इमोशन से डरेंगे उनकी पिक्चरें आई डोंट थिंक यू नीड दैट इमोशन यू नीड दैट एंटरटेनमेंट यू नीड द एक्शन यू नीड द हीरोइज्म जो कि अली में ये सब चीजें हैं अली सुनील ग्रोवर इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मेन आई हैव कम अक्रॉस एंड ही इज फैंटास्टिक इन द मूवी ही इज देयर ही इज प्लेइंग माय चाइल्डहुड फ्रेंड हम लोग 8-9 साल की उम्र से साथ हैं एंड तक के सो ही इज डन अ फैबुलस जॉब अली दिस इज योर थर्ड फिल्म विद सलमान भाई आफ्टर सुल्तान एंड टाइगर जिंदा सो हाउ एक्साइटेड आर यू एंड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ होप्स आर पिन्ड ऑन द फिल्म सो एक्साइटेड तो है लेकिन जिम्मेदारी भी है जैसे साहब ने बोला कि फिल्म का नाम भारत है और जब आपकी फिल्म का नाम भारत हो और सलमान खान कटरीना कैफ उसमें हो तो आपकी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि जो फिल्म आप बनाए वो उस नाम की अहमियत रख सके तो कोशिश हमने करी है साथ मिल के और आज के वक्त में एक बहुत ही ज़रूरी फिल्म है ये क्योंकि जैसे एक ट्रेलर में भी लाइन थी कि देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है तो कहीं ना कहीं द होल फिल्म इज़ अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एकता की बात करती है और कहती है कि देश एक परिवार की तरह है और जो आदमी अपने परिवार को साथ रख सकता है वो पूरे देश को साथ रख सकता है So that amount of respectability should be there in that movie, that nobility, that grandeur, that has to be, it has to be there. We've done our best, I mean, production-wise, dimag se, writing-wise, har cheez mein humne hamari puri koshish ki hai, ke is film ko, koi pseudo-intellectual type ki nahi hai, you know, ke we are making a film ke bahut achi likhi hai aur critics ke liye hai wagera no we are making a film for the audience jisme gaane hain romance hai hasti hai ek commitment hai ek vaada hai jo ke nibhata hai aadmi so usme ek responsibility hai bada strong character hai aur family man hai but middle class aadmi hai he's not a boring man he's seen life he's you know traveled the world मेहनत की है तो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डशिप देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन द फिल्म एंड ऑल सारा एंटरटेनमेंट भी है भूषण सर आप हर स्केल की फिल्म प्रोड्यूस करते हैं मिड बजट हाई बजट एंड यू नो सो जब एक सलमान जैसे सुपरस्टार एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो एज अ प्रोड्यूसर आप पे कितना प्रेशर होता है सॉरी एज अ प्रोड्यूसर कितना प्रेशर फील करते हैं सुपरस्टार लाइक सलमान खान इज वर्किंग विद सलमान भाई फिल्म में हो तो प्रेशर आपको फील नहीं होता है क्योंकि सारी रिकवरी पहले ही हो जाती है फिल्म सलमान सर रवि फ्रॉम या राइट इन द मिडिल या सर रिकवरी होती है सर अली सर ने एक इंटरव्यू दिया था हाल ही में जिसमें कहा था कि जब इस फिल्म को बनाने की बात हो रही थी तो उन्हें इनिशियली लगा था कि ये फिल्म वो नहीं बना सकते क्योंकि जो कोरियन फिल्म का की सेटिंग है जो इतिहास है वो अलग है उसको भारत में डालना बहुत मुश्किल है तो उन्होंने शायद वो नहीं बनाना चाहते थे आपके मन में भी कोई ऐसा स्केप्टिज्म था कि आप ये कर पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा इतिहास 70 साल का आप दिखा रहे हैं आज़ादी के बाद तो जब हमने वो फिल्म देखी थी हमको उस फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा लगा था और वही हमने लिया है बाकी का वी चेंज एवरीथिंग अराउंड उस वो पिक्चर इमोशन ज़्यादा था ह्यूमर कम था बहुत ही कम ह्यूमर था तो हमने यहाँ पर फुल ऑन एंटरटेनमेंट डाल दिया है ह्यूमर डाला है एंड और उसी जैसे कि आप जो इमोशन भी है वो एक खुशी वाला इमोशन है यू नो हंसी भी आएगी और आंखों में आंसू भी आ जाएंगे सो दैट इज़ व्हाट वी हैव अचीव ट्राई टू अचीव इन दिस फिल्म अब तो जब फ्राइडे को रिलीज़ होगी ईद पर तो पता चलेगा कि क्या इस रिस्पॉन्स है इसका बस यही है कि अली साहब बस हमारे बहनों का घर नहीं बिकवा एक सवाल और छोटा सा सर हाल ही में हिना खान जो टीवी एक्ट्रेस है बिग बॉस में दिखी थी और वो आपको बहुत पसंद करती है हाल ही में वो कान फिल्म फेस्टिवल में गई और एक मैगजीन के एडिटर ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि क्या कान अब चांदी वाली स्टूडियो बन गया है तो इस तरह का जो क्लासिज्म और एलिटिज्म है उस पर आप क्या कहेंगे मुझे नॉट फॉलो समझ में आया नहीं क्या Hina Khan 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 gayi thi Hina Khan she said Cannes and a magazine editor had said ab Cannes Chandeli studio ban gaya when he put a picture up to abhi charcha hui thi kal hi ki baat hai ye
So he's asking about that. That's very responsible of that editor to make a comment like that. Hello. Very thoughtful of the editor to make a comment like that on Hina. But I don't understand ki kya kehna cha rahe the. Ke Kans is Chandivili, ya Chandivili is gone to Kans. Okay, Nini, we'll just move on to the last two questions. So, yeah. Hello. तो इसपे इतना कंट्रोल नहीं या वो एडिटर ट्रोल हुआ? एडिटर एडिटर नहीं अपॉलजी आ चुकी है ये अपॉलजीज़ ठीक है No, sorry, I think maybe that was slightly misquoted. There was never anything like that, actually. I was fully under the... I was fully under the impression that they were actually, had already, they were going to begin the shoot. And as far as to my knowledge, Priyanka was very much in the film. And actually it was Ali, he called me up and he said that, you know, there's been a little bit of change of plans. There's some reasons for which she's no longer part of the film. And I'm sending you the script and just read it and just react to it. And he put absolutely no pressure. There was no thing like you're a friend, I'm a friend, you know. There was, it was just purely you react to the script. I read the script and I called up Ali and I said, I think this is your best work so far. This is your best script. And I've read all of his scripts. So I said, I think this is your best script. I think it's an amazing character for the girl and I would love to be a part of it. And we just got straight into work. Thank you, Priya. Salman sir, to your left. Salman sir. Salman sir, to your left. Okay, one second. Salman sir, to your left. See, your emotion in front of me. You can only take one question. Yeah, Salman sir, yeah. To your left. One second, please. Shukriya, thank you. Aapko bhi, thank you. बाद में डिसाइड किया हम पिक्चर का नाम कोरिया तो नहीं रख सकते थे All right, we'll wrap up. Thank you guys, thank you gentlemen. I'd like to call on stage the co-producer of Bharat and CEO of Real Life Productions Private Limited, Mr. Nikhil, Mr. Vinod Bhanushali, President of Media and Publishing, Mr. Shiv Charana, Senior VP Films, T-Series to come on stage, please. And Mr. Anand Dhanani as well, of course. AA Films.